हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में ओनली एक कैमलिन का चारकोल पेंसिल से पोर्ट्रेट ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इसके अलावा कोई भी पेंसिल का यूज़ नहीं करूंगा इस ड्राइंग में। ये आपको लोकल मार्केट में 55 रुपीज़ में इजीली मिल जाएगी। इसमें 3 टाइप्स की पेंसिल मिलता है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। सॉफ्ट पेंसिल से जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बहुत ही डार्क वैल्यू को दे पाओगे, और मीडियम से मीडियम वैल्यू को दे पाओगे, और हार्ड से लाइटली ड्रॉ कर पाओगे। इसी चारकोल पेंसिल से मैं हृतिक रोशन की पोर्ट्रेट ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सो लेट्स सी। इस ड्राइंग का आउटलाइन ट्यूटोरियल और हेयर ड्राइंग ट्यूटोरियल मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप वो वीडियोस नहीं देखा होगा तो ज़रूर से देख लेना। वो वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। फर्स्ट लेयर करने के लिए मैं सॉफ्ट वाला चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली आपको फर्स्ट लेयर में हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाना है, और डिफरेंस फोटो में जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ पर प्रेशर को अप्लाई करके करना है। अभी इसको ब्रश से ब्लेंड कर लूँगा हेयर्स को सॉफ्ट करने के लिए। ध्यान रखना, ब्रश से ही हेयर्स को ब्लेंड करना है, किसी और टूल का यूज़ मत करना, और वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, स्किप करके मत देखना, तभी मैं इसका रियल टाइम वीडियो अपलोड कर दूँगा। अभी सेकेंड लेयर करने के लिए भी मैं वो सॉफ्ट वाला पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। इस लेयर में जहाँ पर भी डार्क एरियाज है वहाँ पर प्रेशर को अप्लाई करके हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाना है। इसको भी मैं हल्के हाथ से ब्रश से ब्लेंड कर लूँगा, और उसके बाद हाईलाइट करने के लिए मैं टोमोमोनो जीरो रेजर का यूज़ करूँगा। तो हेयर्स तो ड्राइंग हो चुका है। अभी स्किन टोन को देने के लिए मैं फर्स्ट लेयर में हार्ड वाला पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। इससे जैसे कि आप लोग पहले ही देखा, बहुत ही लाइटली सेट कर पाओगे। स्किन के ऊपर छोटे छोटे एरिया में ब्लेंड करने के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प को यूज़ कर रहा हूँ, और हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर भी टोमोमोनो जीरो रेजर का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लेयर में ऐसे ही डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर भी डार्क एरिया है वहाँ पर थोड़ा प्रेशर को अप्लाई करके करना है, और लाइट एरिया में नॉर्मली शेडिंग कर सकते हो। और बियर्ड्स में फर्स्ट लेयर में मीडियम वाला चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ध्यान रखना, एक एक बियर्ड को पेशेंस के साथ ड्रॉ करना है, शेडिंग मत कर देना। बियर्ड्स के ऊपर ब्रश से ब्लेंडिंग करना है, और स्किन के ऊपर टिश्यू पेपर से ब्लेंडिंग करना है। तो एरिया के अकॉर्डिंग आपको ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करना है। जहाँ पर भी बड़ा एरिया है वहाँ पर ऑब्वियसली टिश्यू पेपर का ही यूज़ करना है, और हेयर्स वगैरह में ब्रश को यूज़ करना है। अभी सेकेंड लेयर को करने के लिए मैं सॉफ्ट वाला चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मल एरिया में बिल्कुल लाइटली शेडिंग करना, क्योंकि यह बहुत ही डार्क होता है, तो हल्के हाथ से करना, प्रेशर को मेंटेन करके रखना, और जहाँ पर भी एकदम डार्क एरिया है लाइक आईज वगैरह में वहाँ पर प्रेशर को अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही शेडिंग करने के बाद ब्लेंडिंग करने के लिए छोटे एरिया में ब्लेंडिंग स्टैम्प और बड़ा एरिया में ब्रश, नहीं तो टिश्यू पेपर की यूज़ कर सकते हो। अच्छी रिजल्ट पाने के लिए पहले ब्रश से ब्लेंड कर लेना, और उसके बाद उसको स्मूथ करने के लिए टिश्यू पेपर के यूज़ करना। और हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर भी टोमोमोनो इरेजर का यूज़ करूँगा। बियर्ड्स में भी सेम फर्स्ट लेयर में जिस तरह से किया हुआ वैसे ही करना है, बट इस बार सॉफ्ट वाला पेंसिल से करना है। और बाकी जो भी स्किन के एरिया है वहाँ पर भी सेम टेक्निक का यूज़ करना है। आई डोंट थिंक कि कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। शर्ट को ड्रॉ करने के लिए मैं कोई भी लेयर को ऐड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉफ्ट वाला चारकोल पेंसिल से प्रेशर को मेंटेन करके कर रहा हूँ। लाइक जहाँ पर भी डार्क एरिया है वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई करके कर रहा हूँ, और लाइट एरिया में हल्के हाथ से कर रहा हूँ। और उसके बाद ब्लेंडिंग करने के लिए मैं ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ, और फिर हाईलाइट करने के लिए टोमोमोनो जीरो रेजर का यूज़ करूँगा। अभी बैकग्राउंड देने के लिए सॉफ्ट वाला चारकोल पेंसिल की पाउडर कुछ इस तरह से निकल के करूँगा, और आप लोग अच्छी तरीके से देखिए मैं किस तरह से बैकग्राउंड को दे रहा हूँ।
तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड नाउ एंजॉय द रिव्यू। Skies of different